गाइस अपडेट ये है कि बाइक की ना पूरी की पूरी वायरिंग जल गई है। ट्रिप के स्टार्टिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, गरीबी जो छुपाए ना छुप। इस बाइक की तारीफ तो मैंने बहुत कर दी, बट एक बुराई भाई है, रास्ते में ही खुलवा दिया इसने भाई। हमने इसके सारे के सारे फ्यूज चेक कर लिए भाई। सबसे ज्यादा चीता अभी खुश हो रहा है। क्या कर रहा है यार बंदा, टच। सो गाइस बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूं मैं, इतना लेट हो रहा हूं कि संतोष भाई और शौकीन भाई अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब जहां पे उनका मीटिंग पॉइंट था। वो लोग तो सबके सब टाइम पे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेट हूं। गुड मॉर्निंग, फुल 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 एनर्जी भाई। एक कपड़ा दे दो। बाइक सही लग रहा है? सही लग रहा है। हल्का सा गेट खोल दो भैया। सो भाई हाँ, शुरू करते हैं इस ट्रिप को। फुल एक्साइटेड। अब ट्रिप इसका 1-0 कैसे करते हैं मैं सच्ची में भूल चुका हूँ यार। हे प्रभु कृपा करना, जैसे आपका बच्चा सेफ जा रहा है और वैसे ही सेफ से वापस आए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत कवड़ा, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। मैं ना अभी अपने घर के एरिया से बाहर भी नहीं निकला हूँ और ये मुझे बाइक समझ आ गई है। वाओ भाई वाओ, क्या बाइक है यार। और अभी तक सिर्फ ये बाइक चल रही है रोड मोड पे, मज़ा आने वाला है भाई। जितनी पावर चाहिए होती है ना भाई, उससे ज़्यादा पावर है यार। 900 cc है भाई ये बाइक। वाओ यार वाओ वाओ वाओ। सो जी, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बिग थैंक यू टू BMW लुथियंस, BMW इंडिया और अपना प्यारा प्यारा स्पर्श। स्पर्श भाई दिल से थैंक यू भाई, फुल मज़ा आने वाला है इस वाले ट्रिप पे। भाई कसम से बोलूंगा, मैंने अपने एरिया में ना इतनी फास्ट कोई सुपर बाइक नहीं निकाली होगी आज तक भाई। मजा आ गया ना, खुश होना तो भाई। तुम्हें वहां पे मैं बताऊंगा जहां ऑफ रोड आएगा भाई। लेट कर रहे हो, संतोष खड़ा हुआ है वहां पे। सो भाई फटाफट व्लॉग ना मैंने भी स्टार्ट नहीं करा था। सो मीट मिस्टर शौकीन। शौकीन भाई बहुत शौकीन है, उधर अमित भाई। सो दिस इज F900 BMW XR। भाई कैसी लग रही है? बहुत सेक्सी भाई, चलाने में इतनी ऑसम है ना। जैकेट रेड पहन के आज पूरा मस्त है। सो गाइस पैसा मैंने पहले ही खर्च कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था भाई बाइक आने वाली है बूसा और इंडियन रोड की सबसे प्यारी बाइक GT। और आगे हमारा संतोष भाई वेट कर रहा है। ग्लव्स ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और गाइज आज ना बहुत सारी व्लॉगर्स के चोचले होने वाले हैं इस वाले व्लॉग में ना, तो गाइज थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। सो गाइज तू भी शुरू हो जा रहा। हेलो गाइज, तू भी चालू हो जा। चलो भाई, हे प्रभु जैसे अपन सारे भाई लोग जा रहे हैं वैसे ही सेफ सेफ वापस आए, खुशी खुशी खूब इंजॉय करें। ये जो एक दिन का ट्रिप है ना, ये एकदम ऑसम जाए प्रभु। और जहाँ जा रहे हैं भाई, तू पहले गया है? तू गया पहले जहाँ जा रहे हैं? मैं भी नहीं गया, संतोष भी नहीं गया। ये भाई शायद से एक बार जा चुके हैं, इन्होंने ही रिकमेंड करा था वो जगह ना। गाइज ये फीलिंग आज बड़े दिनों के बाद आ रही है यार, और बहुत ही ज़्यादा औसम आ रही है वाली फीलिंग। सुबह सुबह निकलना अपने भाइयों के साथ, और जब पता होना कि बहुत दूर तक जाना है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा क्रेजी मज़ा आता है। हाँ इतने टाइम के बाद। तो ये ना मैंने फ़ोन कनेक्ट करा था, तो ये उससे कनेक्टेड है आई थिंक। यहाँ पे स्पीड लिमिट वगैरह दिखाएगा कि जिस रोड पे कितनी है। अभी एक बार ना प्रॉपर पेयर करूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में ना इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और उस गाड़ी में एक ही चीज़ है जो कि आवाज़, जो आज किसी भी बाइक में नहीं है। GT में भी अच्छी खासी आवाज़ है, बट मी एंड संतोष। यार ये क्या कर रहा है यार बंदा, लेंटर वाला है और पूरा रास्ता भी गोता हुआ जा रहा है। वेरी बैड गाइस। भाई बहुत लेट कराया संतोष, आज तूने आज अच्छा नहीं करा। तो भाई निकल रहे हैं फाइनली। हाँ कुछ ही देर में दिल्ली को अलविदा कर देंगे। डोमिनार बूसा GT बीमर बेबी एंड सेना भी कनेक्ट कर लिया मैंने इस बाइक से ना। मतलब यार इस बाइक को समझने के लिए ना आपके पास प्रॉपर टाइम चाहिए, और इतना टाइम चाहिए ना कि गाइस मज़ा आ जाए। चलो भाई एंड गाइज आज जहाँ हमें जाना है ना, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है वो जयपुर वाला, जो अपना ये दिल्ली जयपुर हाईवे होता है ना, इसी से आएगा। जी मॉर्निंग मस्टैंग GT GT मस्टैंग सुबह सुबह राइड।
भाई सुबह सुबह बढ़िया ट्रैफिक लग रहा है, और इधर तो ऑफ रोड अपना चालू भी हो गया, लंबा ट्रैफिक लग रहा भाई। देख कर रहा हूँ कि रोड कहाँ अच्छी है। सो भाई हाईवे को अलविदा कह रहे हैं, और यहाँ से अपन जाएंगे लेफ्ट। तीसरा टॉल हमने पार करा है और छोटू सा ब्रेक लेंगे, हल्का हल्का चाय कॉफ़ी टाइप का पी लेंगे कि ज़िंदगी में ज़रूरी है भाई। ये वाला रूट बहुत सही है, चश्मा उतार, तेरी एक्साइटमेंट चश्मे के अंदर से देख पा रहा हूँ भाई मैं। चीता हमारा खुश है भाई, सबसे ज़्यादा चीता अभी खुश हो रहा है, मैं कहा अभी तो पहुंचे भी नहीं, चीता खुश हो रहा है। पे क्रूज कंट्रोल लगा रखा, बढ़िया चल रहा है, पैर हिलाते हुए ब्रेक कर रहे हैं भाई। पता है 60-70-80 के ऊपर लगा दो, रोड अच्छा है ना तो पता नहीं चल रहा भाई, बहुत अच्छी चल रही है यार। सुमित को याद कर रहा ना भाई तू बहुत ज्यादा। सो भाई सुबह से भाई ने आपको शक्ल नहीं दिखाई दी अपनी, आज बाल वगैरह भी सेट नहीं करे, क्योंकि पता था भाई जो मर्जी बाल सेट कर लो, जितने मर्जी बाल खड़े कर लो, हेलमेट पहन पहन के भाई। हां सो भाई सो फार बहुत मजा आ रहा है, संतोषिया आ रहा मजा। शकील फुल फुल फुल, फुल। अमित भाई, सो इन दोनों भाइयों के साथ मेरा फर्स्ट ट्रिप है। हम दोनों ने बहुत लंबा ट्रिप मारा। हां मेरा भी पहला ट्रिप है, हम दोनों साथ सभी के साथ, मेरे तो आपके साथ भी, आपके साथ भी, अमित भाई के साथ भी पहला। ज्यादा नहीं बोल रहा तू, हम दोनों ने बहुत लंबा ट्रिप किया था। दूंगा तेरे को लंबा भी गाना, दोनों 390 पे थे, हम दोनों 390 पे थे ड्यूक पे, मैं ड्यूक पे था, ये गाइस BMW पे है। कोई बात नहीं गाइस, सो अभी कुछ खाएंगे, और भाई भूख से तो हल्की हल्की लग रही है, भूख से थोड़ी हल्की लग रही है। चाय आ गई है, चीयर्स गाइस, चीयर्स चीयर्स। हाँ ग्रिल सैंडविच ही कर दो, वेरी यम्मी भैया। ये जो कैफे है ना वन ड्रीम भाई, मच 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 रेकमेंड। ये टोल है अपना रेडकोर, वेलकम यू टू टोल प्लाजा। इस टोल के निकलते ही है ये कैफे। सो गाइस ये लोग ना सुमित भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही थी जितनी देर भी अंदर बैठा था कि बाहर निकलना है, बाइक को चलाना है। और ये देखो जी, टच जस्ट अ सिंगल टैप, और ये आ जाती है XR ABS Pro की बैंडिंग। गाइस रूट देखो अपना आप कैसा हो चुका है, लग रहा है ना गजब एकदम। सो वी आर क्लोज टू अलवर, एंड अलवर यहाँ से अभी रहेगा क्लोज टू 40 किलोमीटर, बट नज़ारे चेक करो भाई। आगे अपने पीछे वाले चीतों का वेट करते हैं। क्या हुआ एकदम से, क्या हुआ एकदम से, क्या हुआ? चलते चलते रेस देना छोड़ दिया अचानक, FI नहीं चल रही, FI की लाइट चल रही है, चल ही नहीं रही FI, मतलब इग्निशन ले ही नहीं रही ना। सो गाइस ट्रिप के स्टार्टिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और बाइक खोलनी पड़ गई अपने को यहाँ पे। इस बाइक में ना पहले एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, ओए अब तो बिल्कुल नहीं हो रही। संतोष भाई ने एक फ्यूज गायब कर दिया इस बाइक का, इस बाइक का जो कि फ्यूज फ्यूज गया, ओए ये देख अब तो ऑन ही नहीं हो रही, बेच देना इसे भाई, वापस तो चले जाऊं दिल्ली, तब बेचूंगा ना इसको। नहीं रास्ते में ही खुलवा दिया इसने भाई, हमने इसके सारे के सारे फ्यूज चेक कर लिए, स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो चाबी ऑन होती है, ये पूरा ऊपर जाता है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। सो संतोष भाई अभी पैर लगा रहा है, और बहुत नियर बाय ही है वर्कशॉप जहाँ हम पहुँच रहे हैं। अरे भाई गरीबी जो छुपाए ना छुपे वाला सीन हो गया इधर तो। व्हाट इज दिस ब्रदर्स, ग्लव्स में छेद। सो जी अलवर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे होपफुली हमें मैकेनिक मिल जाएगा। बाइक में 7 किलोमीटर की रेंज बची है, सो इसमें फ्यूलिंग भी करानी है। आजा पगले, इतनी टेंशन मत ले, सब चिल है, गर्मी बहुत है, आजा ठंडा हो पहले भाई। उसकी हिम्मत है बेचारे के, दोनों पैरों की बैंड बच गई, तेरी हिम्मत है भाई चीते।
वो कह रहे यहीं करा रहे हैं। हेलो गाइस, बाइक में आग लग गया गाइस। लोगों में तो बहुत आग लगती हुई देखी होगी गाइस आपने, लेकिन आज हम आपको बाइक में आग लगती हुई दिखाएंगे गाइस। ओके गाइस, गाइस वहाँ धुआं उठ रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं गाइस, बुलेट लिया आपने, आपके साथ सब सही हो जाएगा। एक दिन कंपनी की सर्विस है, जिस दिन आप बेच दोगे ना इस चीज़ को, उस दिन आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। सो भाई देख रहे हैं क्यूरीज में आग लगी थी भाई, पेट्रोल तो है भाई, कंफर्म हो गया। देखो भैया, अगर स्टार्ट नहीं हुई ना तो मेरी में खत्म हो रहा तेल, ये थोड़ा ऊपर डलवा ले। 4-5 लीटर है भाई इसमें। अरे यार इतने में उसका जाड़ भी गीला नहीं होगा। XR चल रहा है। सो गाइस, अपडेट ये है कि बाइक की ना पूरी की पूरी वायरिंग जल गई है, जो पूरे राजस्थान में अभी अवेलेबल नहीं है, और दिल्ली में भी इनफैक्ट अभी वो अवेलेबल नहीं है। बाकी इसमें भी अभी फ्यूलिंग करानी है बाइक में ना, और जो शौकीन को बाइक मिली है भाई, बिग शाउट आउट RS मोटर्स RE, इन्होंने भाई बाइक दे दी। हमने रिक्वेस्ट करा, मैं कहा सर अब आगे जाना है, घर से भाई बेचारा इतना सोच के आया बाइक का और फिर यहाँ से ऐसा पिलियन जाए तो वो मज़े वाली बात नहीं है, तो इन्होंने बाइक अरेंज करा दी। गाइस आवाज कम है। इस बाइक की तारीफ तो मैंने बहुत कर दी, बट एक बुराई भाई, एवरेज बिल्कुल भी नहीं देती यार ये बाइक। मतलब 20 किलोमीटर चलाया होगा, 70 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी, और आराम से चलाया 3 किलोमीटर की रेंज पे आ गई है, तो भाई एवरेज ज़्यादा अच्छी नहीं है। आ गए जी, आ गए, दोनों ग्लास पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ है, आज कुछ है भैया, ऐसी गर्मी की वजह से। गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस। कहाँ आ गए हम कुछ घंटों में, पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है, पेड़ देखो भाई। मैं एक बार कैमरा बंद करता हूँ, फिर हर एक आधे मिनट में मेरे को ऐसा कुछ दिख जाता है कि भाई कैमरा ऑन करके मन करता है भाई आपको दिखाऊं ज़रूर। बट भाई मज़ेदार, भाई बहुत ही ज़्यादा अनटेस्ट है भाई वाली जगह आज भी। भाई तेरी किस्मत खराब लगता है, वो दिक्कत उस वाली बाइक में भी नहीं थी, तेरी किस्मत भी दिया है दिक्कत मिलके एक ना। भैया इसके ना और भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बताओ भाई कैसा है, कितना सॉफ्ट है ना भाई, बहुत गजब है, कैसा है, मजा आ गया भाई। कितनी तारीफ करोगे यार इस जगह की, लुक एट दिस गाइस, मेरा दिल ही नहीं भर रहा भाई। पता है क्या होता, क्या ना गाइस, राजस्थान वाली बेल्ट पे लोग आते हैं बट इतना अंदर ना आते नहीं है जल्दी। सो भाई बहुत बहुत अच्छी फील आ रही है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहे हो कितना रॉ है यहाँ पे आज भी सब कुछ, लव भाई प्योर लव। मीटियोर ही लिया था, नहीं नहीं क्या पाप किया था, पता नहीं क्या पाप किया था, पहली बार हो रहा है पर मेरे साथ, आज तक मेरी बाइक में दिक्कत नहीं आई कभी। कंपनी वाले जो अपनी थी उसमें तो आई, जो कंपनी ने दी उसमें भी। उधर सॉरी बोल उनको सॉरी बोल, हाँ सॉरी बोल दे उधर, माफ़ी मिलेगी तो भाई तेरी सारी बाइकें ठीक हो जाएगी। तो भाई मिसिंग मार रही है बाइक बहुत ज़्यादा, इतनी मिसिंग मार रही है कि चल ही नहीं पा रही है बाइक, तो अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई सुन, इससे नई बाइक नहीं है हमारे पास। लेट चूम गिरजा आशीर्वाद ले जो मर्जी कर, अगर बत्ती जला धूप बत्ती जला इसमें कुछ भी हो गया ना सबसे तुझे यही छोड़ जाएंगे गाइस। सो भाई हम ना जो हमारी आज की लोकेशन थी हम वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं गाइस, फिर से बाइक ख़राब हो गई, मतलब कोई बात नहीं। सो जी इधर जाना है हमें आज, हाँ सो दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा बढ़िया गया, एंड अभी ये पूरा ऐसा ऑफ रोड लेके हमें जंगल में जाना है जहाँ हमें पहुँचना है आज। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, इंतज़ार करना अगले व्लॉग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे अपन लोग जा रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलने वाली हैं आपको, हम वीडियो में देने की कोशिश करेंगे।
सो गाइज कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि अगले वाली वीडियो का आपको करना है बहुत ज़्यादा इंतज़ार। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, टिल देन रब रखा, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना आगे हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पक्का ना।